उधम सिंह नगर जनपद के 70 विधानसभा क्षेत्र खटीमा में लोहिया हेड, झनकैया, अशोक फार्म, खिलड़िया, मेलाघाट जैसे अन्य विभिन्न जगहों पर खटीमा कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन कापड़ी और मध्य प्रदेश के विधायक कुणाल चौधरी ने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क और आम सभाओं का आयोजन किया। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत झोंकना शुरू कर चुके हैं। इसी क्रम में आज विभिन्न गांवों में भुवन कापड़ी और कुणाल चौधरी ने जनसंपर्क और आम सभा करके भारी बहुमत से कांग्रेस का हाथ मजबूत करने और भुवन कापड़ी को जीत दिलाने के लिए आम जनता से अपील की। इस दौरान भुवन कापड़ी और कुणाल चौधरी ने भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों पर जमकर करारा प्रहार किया। भुवन कापड़ी ने बताया कि आम जनता का पूर्ण समर्थन, सहयोग और आशीर्वाद उन्हें मिल रहा है। भाजपा सरकार से आम जनता परेशान है और अब सिर्फ 14 फरवरी का इंतजार है। उन्होंने बताया कि 14 फरवरी को भाजपा की विदाई तय है। भारी बहुमत से उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वहीं मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक कुणाल चौधरी ने बताया कि खटीमा विधानसभा से भुवन कापड़ी बेहतर वोटों से जीतेंगे। भाजपा के प्रत्याशी की जमानत भी जब्त हो जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जनता के बीच संघर्ष करने वाले एक गरीब के बेटे के साथ जनता खड़ी है। भाजपा सरकार की महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार और लूट से उबकर जनता अब कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन देगी। पूरा समर्थन मिल रहा है क्योंकि आज पिछले 5 साल में जनता का हर वर्ग त्रस्त है। महंगाई से पूरे जो हमारा आम आदमी है वो बहुत त्रस्त है। घर के हालात बड़े खराब हैं। 1500 की रसोई 6000 पहुंच गई, 10000 की कमाई 5000 हो गई। किसी के घर में इतने भी पैसे नहीं है कि कोई बीमार हो जाए तो उसका इलाज किया जा सके। हमारा युवा बेरोजगार है, पढ़ लिख कर निकला हुआ है, पिछले 5 साल से बेरोजगार की मार झेल रहा है। जो हमारे इंटर पास के छात्र हैं उनको कहीं दाखिला डिग्री कॉलेज में नहीं मिल पा रहा है, इन्होंने सीटें कम कर दी हैं। किसान पहले से किसान बिल से परेशान था, प्राकृतिक मार से परेशान था, खाद बीज की महंगाई से परेशान था, साथ में ही जानवरों ने लगातार किसानों की फसल को नुकसान कर रखा है। व्यापारी GST से परेशान है। कोई भी ऐसा वर्ग नहीं है जो परेशान नहीं है। जनता टूट कर सड़कों पर निकल रही है और बस 14 तारीख का इंतजार कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी को जल्द से जल्द उखाड़ फेंके और अच्छे एक अच्छा समय आए, उनकी रसोई उनके नियंत्रण में आए, उनके बच्चों को रोजगार मिले, उनके बच्चों को एडमिशन मिले, किसान गौ वंश से आज़ादी पाए, हमारे सब लोग खुशहाल हों, ऐसे इंतजार जो है जनता रखी कि 14 तारीख को कांग्रेसी गवर्नमेंट बन जाए। खटीमा से लेकर पूरा उत्तराखंड के अंदर पूरी तरीके से भुवन कापड़ी जी खटीमा में बेहतर वोटों से जीतेंगे। यहाँ पे BJP प्रत्याशी की जमानतें जब्त होगी। उत्तराखंड में सरकार बनेगी। एक गरीब के बेटे के साथ, एक गरीब परिवार के लड़के के साथ जनता खड़ी हुई है, क्योंकि जो कोरोना के अंदर लंगर का काम किया, जो गरीबों के छप्पर बनवाने का काम किया, 24 घंटे हर परिस्थितियों में जो खड़ा रहने का काम किया है, पूरा विश्वास है। और जो ऊर्जा दिखाई है लोगों ने, उससे पूरा विश्वास है कि पूरी ताकत के साथ यहाँ पे बेहतर बहुमत के साथ भुवन कापड़ी मुद्दे को लेकिन मूल मुद्दे जिस प्रकार से लूट सके तो लूट योजना चली है। बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई चरम पे है, और जिस प्रकार से आम जनता की गाड़ी कमाई को लूट के सिर्फ लाला जी को देने का काम जो करने का काम कर रहे हैं, और किस प्रकार से सिर्फ अपने घर तक की स्ट्रीट लाइट है, ना तो गरीबों के यहाँ लाइटें हैं, ना नौजवानों को रोजगार है, ये बेरोजगारों की जगह इन्होंने बना दिया है। ये गरीबों का जो घर से दिवाला छीनने का काम किया, आम जनता जो उस गैस की टंकी को देख रही है, जो 400 रुपये में कांग्रेस की सरकार में मिलती थी, जिसे महंगाई बढ़ा बढ़ा के इन्होंने 1000 पहुँचा दिए, वो पेट्रोल की कीमतें, वो डीजल की कीमतें, बेरोजगार नौजवान और किसान की हत्या करने का काम इन्होंने किया है, उसके खिलाफ सभी लोग खड़े। जो खरीद फरोख की राजनीति करना चाहते हैं, इसके खिलाफ जनता खड़ी है। जनता पूरी ताकत के साथ कांग्रेस को जीता है।